For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Dabang 3 में साई मंजरेकर को लेकर काफी ज्यादा बज ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग परफॉर्मर हो सकती हैं कि वो शायद सीधा रज्जो को टक्कर दें। चलिए क्या है पूरी स्टोरी बताती हूँ आपको। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त ज्योति नाहक। और फाइनली दबंग 3 का बस जो है धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। कल ही मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से मोबाइल फोन्स जो है वो बैन कर दिए गए हैं वहाँ पर, ताकि किसी भी तरह की डिटेल्स आउट ना हो। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो सोनाक्षी सिन्हा इकलौती ऐसी एक्ट्रेस रही हैं दबंग फ्रेंचाइजी में जिनके अलावा किसी और को कभी दिखाया नहीं गया। लेकिन अब सई मंजरेकर, जो कि महेश मंजरेकर सर की बेटी हैं, वो नज़र आने वाली हैं दबंग 3 में, और सलमान का लव इंटरेस्ट, अर्लियर लव इंटरेस्ट पोर्ट्रे करते हुए। और सलमान और सई की जोड़ी एक साथ देखने के लिए लोग बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि ऑफकोर्स एक बहुत ही रिफ्रेशिंग पेयर बन के नज़र आने वाला है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बता दूँ, सई मंजरेकर इससे पहले सोशल मीडिया पर नहीं थी, अभी हाल ही में वो सोशल मीडिया पर आई हैं, और आते ही उनके ऑलमोस्ट 8,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं, जिसको देखकर ये ज़रूर कहा जा सकता है कि सई को लेकर लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं कि कौन है ये लड़की जो सलमान खान के साथ वापस से एक स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने के लिए रेडी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर बस बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हो चुका है। ऐसे में सलमान खान कोई भी कसर ऐसी नहीं रखना चाहते कि किसी भी तरीके से सई का फर्स्ट लुक या फिर सई मंजरेकर के कुछ पिक्चर्स है वो आउट ना हो जाएं, जिसके चलते उन्होंने फोन्स भी बैन करवा दिए हैं। भाई सभी इस बात को मान रहे हैं कि सई जो है वो सोनाक्षी को कड़ी टक्कर देने के लिए रेडी है। आपका क्या इस चीज़ पर कहना है कॉमेंट सेक्शन में जाके मुझे कहिए, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। मैं हूँ ज्योति नाहक, साइनिंग ऑफ।